हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए बड़े न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल, डीसी और हॉलीवुड के टॉप अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एवेंजर्स एंड गेम की, जो कि साल की सबसे बड़ी मूवी है। इसका हाल ही में मार्केटिंग प्लान रिवील्ड हो चुका है, जो कि रिवील्ड करा है केविन फाइगी ने। तो केविन फाइगी ने ये प्लान रिवील्ड करा है कि वो इसके जितने भी इवेंट करेंगे या जितने भी मार्केटिंग प्लेस में जाएंगे, वो वहां पर हर मार्वल फैंस को 15 से 20 मिनट की क्लिप दिखाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है हम मार्वल फैंस के लिए। शायद वो लीक भी हो जाए। देन बात करते हैं सजैम के बारे में। तो सजैम फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि वो इंडिया में 19 अप्रैल को रिलीज होगी। देन ये कंफर्म करा है बुक माई शो ने, आप जाके आराम से चेक कर सकते हो। केविन फाइगी ने भी हाल ही में एक्वामैन मूवी देखी, उन्होंने ये कमेंट कहा और इसके बारे में बताया कि ये मेरी पर्सनली डीसी मूवी बन चुकी है और मुझे अब तक की सबसे बेस्ट डीसी की एक्वामैन मूवी अच्छी लगी है। जी हाँ, केविन फाइगी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई। मोनिका रेबेका का फाइनली फर्स्ट लुक लॉन्च हो चुका है और ये फोटो थोड़ा ब्लर है, अगर आपको देखना है तो मेरे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हो। मार्वल स्टूडियो ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो फैंटास्टिक फोर के ऊपर एक फैंटास्टिक गेम बनाएंगे। जी हाँ, काफी जबरदस्त गेम होने वाला है। देन इसका एक लाइव स्ट्रीमिंग होगा आज के दिन, यानी कि 4 बजे। तो देखते हैं कि ये टाइमिंग कब की होगी, तो मैं आपको फेसबुक पेज पर बता दूंगा। देन फाइनली सिल्वर सर्फर के ऊपर एक मूवी बन रही है फ्यूचर में, जिसका काम मिला है माइकी को। तो देखते हैं इन फ्यूचर ये मूवी हमें कैसी मिलेगी। हिक जैकमैन ने अभी हाल ही में एक वीडियो डाला जिसमें कि वो जिम कर रहे हैं, पर काफी फैंस को लग रहा है कि वो वुल्वरीन कैरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल ही में डिज्नी ने कंफर्म करा कि स्टार वॉर्स सीरीज के लास्ट चैप्टर का आपको जल्द ही ट्रेलर देखने को मिलेगा, यानी कि कमिंग सून में है। देन उसके बाद वेनम 2 का ऑफिशियल वर्क स्टार्ट हो चुका है और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी 2020 में, जो कि बहुत बड़ी बात है हम फैंस के लिए कि इसका सेकंड पार्ट जल्दी देखने को मिलेगा। एक्वामैन मूवी अभी हाल ही में 940 मिलियन से ज्यादा क्रॉसओवर हो चुकी है, जो कि गार्डियन द गैलेक्सी और थॉर रैगनारोक को पीछे छोड़ चुकी है। मैन इन ब्लैक का भी हाल ही में बिहाइंड द सीन लॉन्च हुआ, जो कि आप रिसेंट में देख रहे हो। तो ये काफी अच्छा बिहाइंड द सीन है जिसमें काफी तोड़फोड़ मची हुई है। अभी हाल ही में कैप्टन मार्वल सीरीज के टॉय लॉन्च हुए हैं और देन लेजेंड सीरीज के टॉय लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि हमें यंग रॉक का कैरेक्टर अभी कंफर्म नहीं है, यानी कि मार्वल यानी कि जेडी लॉ का कैरेक्टर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो एक्चुअल में क्या प्ले कर रहे हैं मार्वल स्टूडियो में। देन उसके बाद हमारे निक फ्यूरी की ग्रीन आंखें नजर आई है लेजेंड सीरीज में भी और देन इन टॉयज में भी। तो अभी तक क्या चल रहा है मार्वल स्टूडियो में कैप्टन मार्वल में, कि कौन स्कल्स है कौन स्कल्स नहीं है। देन उसके बाद अगर आपको सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली जो चीज है कि जो टॉय में एक किसी में हाथ दे रखा है किसी में पैर दे रखा है, आप नोटिस करिएगा तो वो एक सुपर स्कल्स है। जी हाँ, तो हमें कैप्टन मार्वल मूवी में एक सुपर स्कल्स भी दिखने वाला है। और देन लेजेंड सीरीज की बात करें तो हर एक टॉय में एक फुल डिटेल नजर आई है, यानी कि कैरेक्टर से रिलेटिव। तो आपको अगर ये एक एक करके पढ़ने हैं, अगर कैरेक्टर के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरे फेसबुक पेज पे ये सारे टॉय जाके देख सकते हो। देन काफी बड़ी बात है कि हमें सारी डिटेल नजर आती है और देन इसमें ग्रे का भी लेजेंड सीरीज का टॉय लॉन्च करा है। फाइनली सबसे बड़ा अपडेट, यहाँ पे स्कल्स की ग्रीन कलर की आंखें दिखाई जा रही हैं, यानी कि नेक फ्यूरी का कोई कॉपीराइट स्कल्स होगा। देन उसके बाद शिवा का फुल टॉय रिलीज हो चुका है, जिसमें कि उनकी फुल कॉस्ट्यूम नजर आ रही है। तो ये एक एक्शन फिगर है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। और कल फाइनली लॉन्च हो चुका है कैप्टन मार्वल का ऑफिशियली स्पेशल लुक, जो कि चैंपियनशिप में लॉन्च हुआ था रग्बी में। और देन इसके साथ 3 पोस्टर लॉन्च करे मार्वल स्टूडियो ने। सबसे पहले एक आईमैक्स का पोस्टर लॉन्च करा गया, उसके बाद एक 3D पोस्टर लॉन्च करा गया और एक नॉर्मली पोस्टर लॉन्च करा गया। तो ये तीनों ही पोस्टर कमाल के थे, जिसमें सबसे ज्यादा कमाल का था 3D पोस्टर। देन उसके बाद एलिटा का हिंदी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, आप ऑफिशियली यूट्यूब पे जाके देख सकते हो और मेरे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो। काफी अच्छा ट्रेलर डब करा गया इन हिंदी में। और सबसे बड़ा अपडेट आज का, तो फाइनली लीगो सेट में से एक छोटा सा टॉय रिवील्ड हो चुका है कैप्टन अमेरिका का। तो उनके पास पुरानी शील्ड पाई गई है और देन नया कॉस्ट्यूम पाया गया है। तो इससे ये कंफर्म हो चुका है कि फाइनली टाइम ट्रैवलिंग होगी और ये सूट व्हाइट कलर का काफी मस्त लग रहा है, जिसपे एवेंजर का लोगो भी है। और देन गाइस, आपसे एक हेल्प चाहिए मुझे कि मैं कौन से टाइम में वीडियो अपलोड करूं, या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे बेस्ट टाइमिंग कौन सी है वीडियो अपलोड करने की, जिससे कि आप वो वीडियो देख सको। और देन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आपको एक दिन में 4 वीडियो प्रोवाइड करवाऊं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देखे, या तो उस पे हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर गच्छ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूं।